शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से मम्मी को हमारे गले का पट्टा ही बना दियो। अरे लगता है तुम भूल गई हो कि वो पायल की बेटी है जो सिया तुमसे छीन के ले गई थी। पहले पायल, फिर गुलाबो। मेरी बच्ची ने पता नहीं क्या क्या सहा है उस सानवी की वजह से, पर अब और नहीं। सिया को वैक्सीन लगवा के आता हूं। अरे मम्मी आप अंदर आइए ना। और बबलू कहाँ है? उसे साथ में लेकर क्यों नहीं आई? उसे भी लाती, बच्चों के साथ खेलता, उसका मन लगा रहता। बात बदल रही है। अभी अभय क्या कह के गए? श्रद्धा, उन्होंने तुमसे इतनी बड़ी बात बोल दी, तुम तब भी चुप खड़ी हो? वाह अश्वी जी, अरे हमारे घर में आके हमारे बेटे की बुराई कर रही हैं आप अपनी बेटी से। और इसकी हरकत होगा क्या जिसकी वजह से ये घर टूट रहा है? अगर भगवान खुद आकर भी कहे कि श्रद्धा घर तोड़ रही है तभी ये बात कोई नहीं मानेगा। वाह ऋतु, आपको भी मौका मिल ही गया हमारी बात को काटने का। हाँ, आपकी बात नहीं काट रहे हम। आप जो गलती करने वाली है उसे करने से रोक रहे हैं। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से पता है क्या होगा? आपके बेटे और बहू का घर टूट जाएगा। आपको समझाना बेकार है। एक बात बताइए तनुजा जी, क्या आप हमारी श्रद्धा से खुश नहीं हैं? उसने आज तक अपनी कोई भी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई है क्या? यशवी जी, जब जिम्मेदारी की बात आती है तो श्रद्धा पे तो सवाल उठ ही नहीं सकता है। अरे उसके इसी गुण के लिए तो हमने इसे बहू स्वीकार लिया था। श्रद्धा जैसी बहू पाकर हम तो धन्य हो गए हैं अश्वी जी। आप सच बोल रहे हैं? अरे आप हमारी बेटी से नाखुश होकर ही उस पायल को इस घर की बहू बनाने वाली थी। अश्वी जी, वो पायल हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अरे पोता पोती के चाह में हमारा दिमाग ही बंद हो गया था। लेकिन उस हादसे से हम एक बात तो बहुत अच्छे से समझ गए अश्वी जी कि श्रद्धा से ज्यादा अच्छी बहू हमें कभी मिल ही नहीं सकती थी। अश्वी जी, आप भूल गई कि हमने कैसे श्रद्धा को अपनी बहू अपना लिया था जब वो अकेले मंडप पे खड़ी हुई थी। अगर आपको श्रद्धा से कोई परेशानी नहीं है तो फिर? अरे श्रद्धा परेशानी नहीं है, परेशानी सानवी है। जिस दिन से वो इस घर में आई है केवल बुरा हो रहा है। अरे हम पहले दिन से ही श्रद्धा को समझाने की कोशिश कर रहे लेकिन ये समझ ही नहीं रही है। अरे सानवी इस घर में नहीं रह सकती, अरे आप ही समझाइए इसे। अरे तनुजा जी, आप कैसी माँ हैं? एक माँ होकर दूसरी माँ को बोल रही हैं कि वो अपने बच्चों में से किसी एक को चुने। चलिए ठीक है, हम आपसे कहते हैं कि आप अपनी आरती और अभय में से किसी एक को चुनिए। चुनिए। हाँ
नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते, हिम्मत रखो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और हम हैं ना तुम्हारे साथ। हमारी बच्ची अपने परिवार को बचाने के लिए अकेले सबसे लड़ती रही और हम एक माँ होके भी अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रख पाए। नहीं, रोते नहीं है श्रद्धा बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए हमारे साथ आकर रहो ना, तुम अपने घर आकर रहोगी ना बेटा तो बहुत अच्छा लगेगा। चलोगी ना तुम हमारे साथ? आटा 10 किलो, दाल 5 किलो, चावल 10 किलो। अरे पिछली बार आमचूर रह गया था, आमचूर से ही तो स्वाद आता है। माफ कीजिए नैना भाभी, आप यहाँ खाने के स्वाद में उलझी हुई है और वहाँ वहाँ रिश्तों का जायका बिगड़ता ही जा रहा है। ऋतु आप भी ना बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं। जल्दी? भाभी हमें तो लगता है कहीं देर ना हो जाए, कहीं हमारी श्रद्धा यशवी जी के साथ अपने मायके ना चली जाए। तो आप और उम्मीद भी क्या रखती हैं? जिस तरह से तनुजा वो बेचारी नन्ही सी सानवी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, और अभय, हमें तो हैरानी इस बात से है कि अभय भी सानवी के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे। हाँ भाभी आप कहे तो बिल्कुल ठीक रही है। अरे हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभय अपने मुंह में दही की कौन सी फैक्ट्री जमा कर बैठा है जो उसका मुंह ही नहीं खुला, ना सानवी के लिए और ना हमारी श्रद्धा के लिए। बेचारी श्रद्धा कब तक ये सब बर्दाश्त करती रहेगी? श्रद्धा कितनी खुश थी ना माँ बनने को लेकर, लेकिन एक दिन सुख का नहीं मिला उन्हें। पहले वो पायल और गुलाबो उन्होंने जिंदगी नक बना रखी थी, और अब तनुजा और अभय भी उन्हें तकलीफ दे रहे, और ऊपर से कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। कौन खांस रहा है? चलिए देखते। ओफो, ना गंदा है। कीर्ति, अरे ये सब अब क्या करने लग गई? लो बताओ, हमें तो हमेशा से यही लगता था कि हमारी कीर्ति रानी लड़ाई अभियान में अव्वल है, लेकिन आज तो सफाई अभियान में भी बाजी मार गई। हाँ खुश कर दिया हमें। देखा, इसीलिए हम इसकी तारीफ नहीं करते। हम क्या करें, हम जब इस कमरे में आए इतना गंदा था ये कमरा, हमने सफाई कर दी। वाकई ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। अब यहाँ पर ना जो भी सामान जरूरत का नहीं है वो हम कवाड़ी वाले को दे देंगे। कितना गंदा पड़ा है, ये सब समेट के ना हम कूड़े वाले डब्बे में डाल देते हैं। हम डब्बा लेके आते हैं। हाँ भी आपने कौन सी जादू की छड़ी घुमाई अपनी बहू पर? हाय देखिए तो पूरे के पूरे मिजाज ही बदल रहे हैं। अरे इसे देखकर लगता नहीं कि यही हमारी वो कीर्ति रानी है, कामचोर कीर्ति। कीर्ति को गुस्से से नहीं प्यार से जीत सकते। अब ना हम उन्हें बात बात पर टोकते नहीं और छूट देते हैं, तो वो खुद से कम कोशिश तो करती है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब तो कीर्ति भी अपनी गृहस्थी संभालने लगी है। बस अब श्रद्धा के जीवन की गाड़ी भी जल्दी से पटरी पर आ जाए और फिर आगे सब कुछ ठीक हो। हाँ मम्मी सब कुछ ठीक है, मुझे बस अभय को ये समझाना होगा कि वो सानवी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते। आखिर सानवी भी तो उन्हीं की बच्ची है ना। मैं रिया के बदले सानवी की कुर्बानी नहीं दूंगी। मैं
उन्हें समझाऊंगी। हाँ मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कैसी है अब सिया? वैक्सीन लगने के बाद ज्यादा तो नहीं रोई ना? जबरदस्ती की फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम सानवी पे ध्यान दो। अबे क्या हो गया है आपको? आप फिर से वही बात? बस शट अप। मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ भी कर लो तुम्हारे लिए सानवी सिया से ऊपर ही रहेगी। वो अगर मुझे यकीन नहीं दिला सकती हो ना, तो सानवी को भी अपने साथ अपने घर ले जाओ। नहीं, हम अपना घर टूटने नहीं दे सकते, हमें कुछ करना पड़ेगा। ये लीजिए गरम गरम रोटियां। अरे वाह, आज तो हमारी कीर्ति रानी कितनी सयानी हो गई है। बहुत आज काम करना पड़ा होगा ना, थक गई होगी। तुम खाना खाओ। हाँ बुआ जी, बहुत 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 काम करना पड़ा। हमें ना बड़ी खुशी हुई घर के कामों में हाथ बटाकर। अच्छा माँ, ये पैसे। ये किस चीज के पैसे हैं बेटा? वो कवाड़ी को हमने वो बक्सा बेच दिया ना, जो वो गंदा सा पड़ा था। क्या क्या बेचा आपने? लेकिन हमें एक बात ये नहीं समझ में आई, हमारा कबाड़ी वाला तो महाकंजूस है। थोड़े से सामान के लिए तुम्हें इतने पैसे उसने दे दिए? मतलब तुमने अच्छे दाम में सामान बेचा है ना? बुआ जी, बड़े सामान का ना बड़ा पैसा। अरे वो पुराना बक्सा पड़ा था ना, वो हमने बेच दिया। और वो चांदी की थाली काली पड़ चुकी थी, वो भी बेच दिया। बाबा आदम जमाने के बर्तन पता नहीं क्यों पड़े थे, सब खराब हो गए थे, हमने बड़ी मुश्किल से वो भी बेचा है। बेच दिए? कीर्ति, आपने हमसे बिना पूछे हमारा इतना सारा सामान बेच दिया। पर माँ, आपने तो कहा था कि जो सामान हमें नहीं चाहिए वो कवाड़ी वाले को बेच देने। आपको हमारी माँ का पुश्तैनी सामान, चांदी के बर्तन, सब कबाड़ लगा। हाँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमारी माँ की आखिरी निशानियां सब आपने बेच दी। कीर्ति, रिश्तों की कीमत तो तुम कभी समझ ही नहीं पाई हो, लेकिन चांदी की कीमत तुम्हें कैसे नहीं पता है? अरे अगर चांदी की थाल काली हो गई थी तो उसे साफ करवा लेते, पॉलिश करवा लेते, लेकिन नहीं, तुम तो तुम हो। अरे तुमने उस कबाड़ी वाले की चांदी कर दी, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? मम्मी, बुआ जी, आप चिंता मत करिए, मैं अभी जाके वो सामान वापस ले आता हूँ। अरे अब तक तो दुगने भाव में कहीं और बेच चुका होगा वो कबाड़ी। कीर्ति आप ऐसा क्यों करती हैं? हाँ, अब कुछ भी काम ठीक से नहीं करती। रसोई में कुछ बनाने गई तो तूफान खड़ा कर दिया, शोरूम में काम करने गई तो हमारी माँ का पुश्तैनी सामान बेच दिया,
बुराई दिखती है। हम कुछ भी करने जाए आपको यही लगता है कि हमने कुछ ना कुछ गलती कर दी। इतने मन से हमने केक बनाया था पर आपको क्या दिख रहा है कि कैसे हमने किचन में तूफान मचा दिया। हम अब कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम कुछ भी करेंगे ना तो आप उसमें गलतियां निकालेंगे। इसीलिए आज हम कोई काम नहीं करेंगे, कोई मदद नहीं करेंगे आप लोगों की। मम्मी आपने भी कुछ ज्यादा ही सुना दिया। नहीं वरुण, जो गलत है तो गलत है। आज ये कीर्ति रानी लगाएगी लंका आपके बेटे की, देखिएगा आप। यकीन नहीं होता कि बात तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। किस तरह तुमने सच से आंखें ही फेर ली श्रद्धा। सब कुछ समझ कर भी आप ऐसे अनजान कैसे बन सकते हैं अभय? किस्मत की लकीरों, आप तो ऐसे नहीं थे। क्या बन गई हो तुम? मैंने तो अब अपनी आंखों से देख लिया, पर कौन मानेगा कि तुम वही श्रद्धा हो जो कभी किसी चीज किसी रिश्ते में भेदभाव नहीं करती थी। फिर आज इतनी कैसे बदल गई तुम कि अपने बच्चों में ही भेदभाव करने लग गई? क्या तुम्हारे लिए सानवी ही सब कुछ है? और सिया, चाहे मुझसे कितने भी नाराज क्यों ना हो आप, हमेशा मुझसे बात तो कर ही लिया करते थे ना। फिर आज क्या हुआ आप? अगर मन में कोई बात चल रही है तो मुझे बताइए ना। अगर मैं समझ नहीं पा रही हूँ तो मुझे समझाइए अभय, पर ऐसे मत रहिए। अब तो आप कोशिश भी नहीं कर रहे कि हम एक दूसरे से बातें कर सकें, मिलके सुलझा ले हर गलतफहमी को। ऐसे पीठ घुमा के ये रिश्ता कैसे चलेगा आप है? ठीक है, फिर हमेशा मैं ही क्यों कोशिश करती रहूं? अब मुझे भी बात नहीं करनी है आपसे। श्रद्धा, एक बार भी कोशिश की तुमने मुझसे बात करने की? पूछा मुझसे कि आखिर हुआ क्या है? एक बार भी कहा कि आओ अभय, अगर कोई गलतफहमी हुई है तो मिलके उसे सुलझा लेते हैं। तुम तो हर चीज का ध्यान रखती थी, तुम इतनी बेखबर हर बात से अनजान कैसे हो गई? ठीक है, मैं ही शुरुआत करता हूँ अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो। सॉरी, दिखाइए अबे। चोट कैसे आ गई अबे? इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं आप? पहले भी तो हमेशा तुम ही ख्याल रखती थी मेरा। सॉरी, अब तुम्हारे पास मेरे लिए या किसी के लिए भी वक्त ही कहाँ है? तुम्हारा सारा वक्त तो सानवी का है, फुर्सत ही कहाँ मिलती तुम्हें उससे? अभय, आप जरा सी बात का ऐसे पतंगड़ क्यों बना रहे? मैं पतंगड़ बना रहा हूँ? पागल हूँ क्या मैं? श्रद्धा, बात है तभी पतंगड़ बनता है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। पर ये जो सवाल तुम सबसे पूछती हो, एक बार कभी खुद से पूछो, पूछो कि आखिर गलती कहाँ है। पूछा मैंने अपने आप से ये सवाल और कई बार पूछा है अभय, लेकिन इस सवाल का मुझे कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। खोया क्यों मैंने तुझको अपने नसीबों से, किस्मत की लकीरों से, किस्मत की। दिखाइए। रहने तो मैं खुद कर लूंगा। इधर दिखाइए। श्रद्धा, मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ। इस चोट में कितनी सूजन आ रखी है, इधर दिखाइए। मुझे दिख रहा है अभय, महसूस कर पा रही हूँ मैं। हारे
जानवी? श्रद्धा कभी नहीं सुधरेगी, इसके लिए सानवी ही इंपॉर्टेंट है। वरुण जी, कीर्ति क्या कर रही हो? हटो, काम करने थे। ये बहुत जरूरी है, कल ही प्रेजेंट करना है, प्लीज समझा करो ना। कब तक समझे हम वरुण जी, जब देखो आप काम ही करते रहते हैं, आपका काम तो कभी खत्म ही नहीं होता, इस लैपटॉप से ना चिपके रहते हैं। पहले जैसे आप बिल्कुल भी नहीं रहे, शादी से पहले आप कितनी सारी बातें करते थे, हमारे साथ घूमने भी जाते थे, कितने रोमांटिक थे आप, और अब कुछ भी नहीं, सब गायब। ऐसा लगता है कि शादी से पहले वाले वरुण जी कोई और ही थे, या शायद मेरा सपना था। ऐसा नहीं है कीर्ति, अब ये सब काम मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, तुम्हारे और क्यारा के लिए। ऐसा क्या काम आप कर रहे हैं हमारे लिए कि आप हमसे ही दूर हो रहे हैं इस काम की वजह से? वरुण जी, इस काम की वजह से आपके पास ना हमारे लिए वक्त नहीं होता है। वरुण जी छोड़िए ना ये सब काम वाम, चलिए ना कहीं दूर जाते हैं छुट्टी मनाने। छुट्टी अभी? कीर्ति अभी बहुत काम करना है और एक अच्छे भविष्य के लिए प्लानिंग करनी होती है, और ये सब काम मैं हमारे अच्छे भविष्य के लिए तो कर रहा हूँ ना। कौन से भविष्य के लिए? वो भविष्य जो हमने देखा ही नहीं, क्या पता आएगा भी कि नहीं। वरुण जी, उस भविष्य के लिए हम अपना आज क्यों खराब करें, आज में जीते हैं ना। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी कीर्ति इतनी समझदार हो गई। वैसे बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर कीर्ति कई बार हालात हमारे साथ नहीं देते। अब अभय और श्रद्धा को ही देख लो, किसने सोचा था कि उनकी परिस्थिति ऐसी हो जाएगी। ओहो वरुण जी, आप दीदू की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? दीदू और अभय के बीच में जो भी परेशानी है ना, वो सब ठीक हो जाएगी। आप तो दीदू को जानते हैं ना, अरे दीदू बात इतनी बिगड़ने ही नहीं देंगे कि मामला हाथ से निकल जाए, दीदू सब संभाल लेंगे। हाँ मैं जानता हूँ कि श्रद्धा बहुत सुलझी हुई है, उसकी सहनशीलता को भी मैं जानता हूँ। कीर्ति कई बार एक चिंगारी भड़क की आग का ऐसा रूप ले लेती है कि सबको जला देती, और ऐसे रिश्तों में भी एक बार अगर कड़वाहट आ गई ना तो फिर कभी नहीं जाती, चली जाती है। अब हमें देख लीजिए, हमारे बीच में कितनी परेशानी आई, कभी पायल, कभी गुलाबो, कभी वो अवनी। अच्छा ठीक है, हम उस अवनी का नाम नहीं लेते। देखिए हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया ना, है ना? हाँ कीर्ति, अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। तो आप ना दीदू की चिंता मत करिए, दीदू और अभय एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि वो एक दूसरे से दूर रह ही नहीं पाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अगर आपको कुछ करना है अपनी तसल्ली के लिए ना, तो अभय को समझाइए कि रिश्तों को संभालना सीखे और बदतमीजी ना करे। के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम सानवी पर ही ध्यान दो, सिया को मैं अकेला पाल लूंगा।
लड़की की वजह से हम तुम दोनों के बीच में दरार नहीं आने दे सकते। इस झगड़े की जड़ को ही खत्म करना होगा हमें। चिल्ला रही हो? अभय सांधी अपने पालने में नहीं है, उठिए अभय। क्या? कोई बाहर लेकर गया होगा, हम देखते हैं। हे भगवान, से बात करते हैं। हाँ अंकल जी, मुझे तो लग रहा है कहीं वो गुलाबों फिर से वापस तो नहीं आ गई। हमारे हाथ से ये डील निकल गई अपने। था जरूर, कहाँ चली गई? लगता है मुझे ये इंतजार करना पड़ेगा कि चली नहीं जाती है। जजी कहाँ जा सकती है बगैर किसी को बताए? हो सकता है चाची जी बाहर चली गई हो और सानवी भी उन्हीं के साथ हो। हो सकता है कि चाची ने देखा हो कि सानवी रो रही है, इसलिए उसे घुमाने के लिए बाहर ले गई। घुमाने? वो भी चाची जी सानवी को? उनका बस चले ना तो घर में भी सानवी की आवाज हमेशा के लिए बंद कर दे। नहीं भाभी ऐसा नहीं है,
मम्मी ऐसे चाहे कितना भी गुस्सा कर ले पर उनके अंदर भी माँ का एहसास दिखता है, और खासकर तब जब बच्चा रो रहा हो। हम उन्हें फोन करके देखते हैं। ये अपना फोन क्या कमरे में कहीं भूल गई है क्या? फोन ही नहीं उठा रही है। लगता है किसी बच्ची को भूख लग गई है। छोड़ के ही जाएंगे। जान से आप इतनी नफरत कैसे कर सकती हैं मम्मी जी? एक बार देखिए इसकी तरफ, बच्ची के साथ इतना बड़ा कदम उठाने के बारे में आप कैसे सोच सकती हैं? बोलिए ना श्रद्धा, तुम खुद ही देख रही हो कि घर में कितनी करवाहट बढ़ गई है, व्यापार का काम भी नहीं बन रहा है, और ये सब कुछ सिर्फ इस सांडी की वजह से हो रहा है। मम्मी जी, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, और इस बच्चे की खुद की ही किस्मत की लकीरें अभी तक नहीं बनी है, ये किसी और की लकीरें क्या काटेगी? अरे श्रद्धा, तुम को एक ही बात हम कितने बार समझाए भाई, अरे क्या जादू कर दिया इस पराए बच्ची ने तुम पे? मम्मी जी, सांडी पराई नहीं है, ये हमारी बच्ची है। आप भूल रही हैं क्या? इसमें अभय और मेरे दोनों के अंश हैं। बोलो मम्मी, आप कहाँ चले गए? यहाँ सानवी नहीं मिल रही है, घर से गायब है वो, और श्रद्धा उसे ढूंढने के लिए कहीं निकल गई है। अरे बेटा, श्रद्धा और सानवी दोनों हमारे साथ ही हैं। क्या बताएं बेटा, ये श्रद्धा ना सानवी के मुंह में बिल्कुल अंधी हो गई है। श्रद्धा ने कुछ कहा क्या आपसे? अरे बेटा, वो क्या कहेगी, अरे सुनती कहाँ है वो हमारी। अरे बेटा, हम उसे बस यही कह रहे थे कि वो थोड़े दिन के लिए सानवी को मायके में छोड़ा है ताकि वो सिया पे ध्यान दे सके। अरे बेचारी बच्ची इतने दिनों से अपने माँ से दूर रही है। बेटा, अब तुम ही उसे समझाओ। श्रद्धा जिद कर रही है कि वो सानवी से दूर नहीं रहेगी। मम्मी, आप फोन स्पीकर पे डालिए, मैं बात करता हूँ। हाँ, अभी हम करते हैं। श्रद्धा, मम्मी एकदम सही कह रही हैं। सानवी के इस घर से दूर रहने में ही सिया की भलाई है, और मम्मी के इस फैसले में मैं उनके साथ हूँ।
सुन लिया तुमने? अभय को भी सानवी नहीं चाहिए, वो यही चाहता है कि हम उसे यहीं छोड़ दें। तो श्रद्धा, अब तुम ही बताओ कि तुम अपने परिवार का साथ दोगी या इस मनहूस बच्चे के साथ लगी रहोगी? अरे यार, पहले तुम एक सानवी को चुप कराओ। आधी परेशानी घर की इसने बढ़ा के रखी है। सानवी के लिए तुम सिया को नहीं भूल सकती हो। अरे अभय ने सिया को वैक्सीन करवा दिया है। सच्चाई ये है कि सानवी के आगे तुम्हें सिया दिखती ही नहीं। नहीं, मेरी सिर्फ एक बेटी सिया। अगर अभय ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है तो मैं भी अपना एक आखिरी फैसला सुना देती हूँ। श्रद्धा बेटा, तुम्हारा फैसला जो भी हो, हम हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं। और बेटा, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, तनुजा जी अपनी पोती को अनाथ आश्रम छोड़ने की तैयारी कर रही थी। और अभय इस सब में उनका साथ दे रहे थे। कुछ भी हो जाए मम्मी, मैं उनकी नफरत अपनी बच्ची पर नहीं पड़ने दे सकती और ना ही सानवी के साथ ना इंसाफी होने दूंगी। इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा मम्मी। ना, ये तुम्हारा ही घर है। उसने कहा और आप मान गए? तनुजा, आपने अपनी बहू को मायके भेज दिया? नहीं, भाभी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। ये ठीक नहीं हुआ। मजबूर तो दीदू को चाची जी ने कर दिया। अच्छा हुआ कि सही समय पे जाके दीदू ने चाची जी को पकड़ लिया। सानवी को तो ये अनाथ आश्रम में छोड़ी आती है आज। पता नहीं अब श्रद्धा पे भी क्या बीत रही होगी। अरे आप सबको मिलके हमें गलत ठहराना है ना, तो ठहराइए। पर हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हाँ, आपने गलत नहीं किया। अरे घर की लक्ष्मी को आपने घर से बाहर निकाल दिया। अपने बेटे का घर तोड़ दिया। आप कह रही हैं आपने गलत नहीं किया। बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे आपने सानवी को अनाथ आश्रम छोड़ने का फैसला कैसे ले लिया? अरे हमने फैसला ले लिया क्योंकि हम जानते हैं कि आप समझेंगे नहीं। और हमने जो भी किया है ना, वो हम इस परिवार के भलाई के लिए किए हैं। भलाई के लिए क्या? अरे एक बात याद रख, सानवी इस घर में वापस नहीं आएगी। आपको अंदाजा भी है कि आपके इस जिद के पागलपन से इस घर में कितना कलेश भर गया है। श्रद्धा इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। अरे तो हम क्या करें? बस तो नहीं बोले थे कि यहाँ से चली जाए वो। अरे तनुजा जी, आपको पता भी आपने क्या क्या है? अरे हम जो भी किए हैं ना, सोच समझ के किए। आप हमें बस ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। बस बंद करिए आप लोग अपनी ये बहस। नैना जी, आप श्रद्धा को घर वापस लाएंगी, लेकिन सानवी के साथ। ताई जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी और भाभी को घर वापस लेकर आऊंगी। हाँ आंटी जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये घर श्रद्धा का है,
और हम इस घर में श्रद्धा को वापस ला कर रहेंगे। बेटा सुबह से कुछ नहीं खाया है तुमने, थोड़ा सा कुछ खा लो। नहीं मम्मी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। बेटा बच्चों का ख्याल रखने के लिए भी तुम्हें अपना ख्याल रखना जरूरी है ना। कुछ नहीं खाओगी तो बच्चों को कैसे संभालोगी बेटा, थोड़ा सा कुछ खा लो। चलो आ करो जल्दी से। पता नहीं सिया किस हाल में होगी, वो रो तो नहीं रही होगी ना, उसने दूध भी पिया होगा कि नहीं। मैं क्या करूं मम्मी, जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। मैं उन्हें कैसे समझाऊं? आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम तो यही समझ रहे होगे ना कि हम ही गलत हैं इसमें। अरे हम तो श्रद्धा के पांव पे भी गिर गए थे ताकि वो यहाँ से नहीं जाए, और उस मनहूस आदमी को भी हम घर लाने के लिए तैयार हो गए थे, अब उसे ही नहीं आना है तो इसमें हमारी क्या गलती है? अब हम तुमसे कह रहे हैं उस श्रद्धा के लिए ना सानवी के सामने हमारी कोई अहमियत नहीं, ना ही तुम्हारी और ना ही इस परिवार की। सिया के बदले सानवी की कुर्बानी नहीं दूंगी, और उसके ऊपर अपने खुद की बेटी सिया के बारे में भी नहीं सोचा उसने। सोचा भी नहीं चाची जी ने एक बार भी आपके बारे में। खैर छोड़िए, उनको तो पहले भी आपकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन हमें आपकी परवाह भी है और हम आपके बारे में सोचते भी हैं। श्रद्धा हम आपको वापस ले जाने आए। हाँ श्रद्धा, और आपस की गलत फहमियों की वजह से हम बच्चों को तो अलग नहीं कर सकते ना, सानवी और सिया दोनों बहनें हैं। बेटा हम तनुजा को शादी के पहले से जानते, उनका गुस्सा ना सीधा सर चढ़ जाता है, फिर वो किसी की नहीं सुनती, लेकिन आप देखिएगा वो शांत हो जाएंगी ना, सानवी को अपने आप अपना लेंगी। भाभी आप तो जानती है ना मम्मी को, वो है थोड़ी अंधविश्वासी पर वो दिल की बुरी नहीं है, आप प्लीज घर वापस आ जाओ ना भाभी, प्लीज मान जाओ। आप लोगों के इतने प्यार से मुझे हमेशा ही बहुत हिम्मत मिलती आई है, पर मैं सानवी को नहीं छोड़ सकती, जिस घर में मेरी बच्ची की उसकी पैदाइश की इज्जत ना हो, मैं वहां अपनी बच्ची को लेकर कैसे आ सकती हूँ? मम्मी जी ने इसे बनहूस बोल बोल के अपने दिल और दिमाग में इसकी ऐसी छवि बना ली है कि क्यों ना इसका मासूम चेहरा दिखता ही नहीं है, तो फिर मैं अपने बच्चे को वापस नहीं ला सकती हूँ जी। आपकी एक और बच्ची भी तो है सिया, ये सब लड़ाई में आप उनको अपनी माँ के प्यार से क्यों दूर रख रही हैं? सिया को तो आप लोगों से माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन अगर
अगर सानवी को मैं यहाँ पर छोड़ आई तो वो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। इसलिए ताई जी, जब तक मम्मी जी और अभय दोनों सानवी को अपनी बच्ची नहीं स्वीकार लेते, मैं वहां नहीं आ सकती। अभय, तुम अपना कुछ सामान घर भूल गई थी। सानवी का सामान। अब है? क्या कर रहे हैं आप? अभय, अभय रुको। अभय, आपको बिल्कुल परवाह नहीं है श्रद्धा की, जो आप ऐसे उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। अभय, तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि तुम्हें भी श्रद्धा की जरूरत है? भैया रुकिए, आप भाभी को लिए बिना नहीं जा सकते। भैया सिया को भाभी से कैसे अलग कर सकते हो आप? इससे ना यही उम्मीद थी। अरे इसके अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है ना। बस दीदू, क्योंकि ये बेइज्जती ना हम भी नहीं सह सकते। दीदू आप जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है। आप अपने फैसले पे अटल रहिए, तब तक अटल रहिए जब तक ये आके आपसे माफी ना मांगे। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से खोया क्यों मैंने तुझको अपने नसीबों से। अबे ये क्या सुन रहा हूं मैं? कीर्ति ने मुझे बताया कि श्रद्धा को वापस लाने के बजाय तू उसे उसका सामान देके छोड़ा है। मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। पहले मेरी बात का जवाब दे। श्रद्धा जैसी लड़की जिसने तुझे काबिल बनाया, जिसने हमारे परिवार के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी, तू उसे असहाय उसके बच्चे के साथ उसके मायके छोड़ाया। जैसा हम जानते थे ना श्रद्धा को, अब वो वैसी नहीं रही है, बदल गई है वो। उस खुदगर्ज ने हमारा परिवार तोड़ दिया। अबे शर्म आनी चाहिए तुझे, श्रद्धा जैसी लड़कियों को खुदगर्ज बोलते हुए। अरे किस बात की अकड़ है तुझ पे? हाँ तू तो माफी मांगने के लायक भी नहीं है। अगली बार मुझ पे हाथ उठाया ना तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। क्या बोला तू? हाथ उठाएगा मुझ पे? बड़े भाई से बदतमीजी करेगा तू? धक्का मत दे। दूंगा। क्या करेगा? वापस धक्का मारेगा? अपने बड़े भाई को धक्का मारेगा तू? चल मार 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 मुझे। मार मुझे, मैं उकसा रहा हूं तुझे। अबे वरुण मारो। बोला मुझे मैं उसका। मार मुझे बस। मार तुम दोनों हटेंगे। जानवरों की तरह से हाथापाई कर रहे हो। अबे निकलो यहां से। वरुण अपने कमरे में जाओ। पर पापा ये। अपने कमरे में जाओ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे डर है कहीं श्रद्धा के बगैर ये परिवार बिखर ना जाए। अबे बेटा
सिर्फ सोचने से और हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा बेटा। जा, श्रद्धा को वापस ले। मैंने कहा उसे इस घर से जाने के लिए, नहीं अपनी मर्जी से गई है तो अपनी मर्जी से ही वापस आएगी। अपनों से क्या नाराजगी बेटा, और किस बात का घमंड है तुझे? मैं तुझे और श्रद्धा को अच्छी तरह से जानता हूं, वो छोटी सी बात पर नाराज होकर कभी घर छोड़कर नहीं जाएगी। पापा आपको तो ऐसा ही लगेगा ना, गलती तो मेरी होगी। इस घर में कुछ भी हो, गलती हमेशा मेरी होती है पापा, पर इस बार आप गलत हैं। श्रद्धा ने सानवी को मेरे, सिया के, इस परिवार के ऊपर रखा है, उसे चुना है। ठीक, मैं मानता हूं कि इस बार गलती श्रद्धा की, लेकिन बेटा सच तो ये भी है कि तू श्रद्धा से बहुत प्यार करता है, उसके बिना नहीं रह सकता। मुझे ये भी पता है कि श्रद्धा भी तेरे बगैर नहीं रह सकती, बहुत प्यार करती है तुझसे। अगर उसकी जिद वापस आने से उसे रोक रही है तो अपने प्यार को उसके सामने रख बेटा, प्यार के सामने कोई नहीं जी सकता बेटा, ले आ उसे। बेटा तुम्हारे बिना श्रद्धा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, और वो इसलिए नहीं कि वो कमजोर है या उसे तुम्हारी जरूरत है, वो इसलिए क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार करती है बेटा। और सिया को भी अपनी मां की जरूरत, अपने परिवार को बिखरने से बचा ले बेटा, बचा ले। श्रद्धा बेटा, अगर तुम शहर ही छोड़ के चली जाओगी तो रिश्ते कैसे ठीक हो पाएंगे? रिश्ते ठीक होने की गुंजाइश वहां होती है मम्मी, जहां फैसला बदलने की उम्मीद हो, और ऐसे कच्ची उम्मीद के सहारे मेरी बेटी का भविष्य ठीक तरह से बन नहीं पाएगा। इसलिए मुझे ये दिल्ली वाली नौकरी लेनी ही होगी। बेटा तुम नौकरी तो यहाँ भी ढूंढ सकती हो ना, वहां तुम सानवी का अकेले ख्याल कैसे रखोगी? और बेटा तुम्हारा खुद का ख्याल रखने वाला भी तो कोई नहीं होगा ना वहाँ। आप लोगों का आशीर्वाद होगा ना मेरे साथ तो मैं अकेले कहाँ रहूंगी? नहीं बेटा मत जाओ, मत जाओ ना बेटा। श्रद्धा बेटा मान जाओ हमारी बात, आप कुछ कहिए ना। श्रद्धा मम्मी जी, वो श्रद्धा से बात करनी थी। अब हाँ अभय बेटा अंदर आइए ना पहले आप। नहीं मैं ठीक हूँ यहाँ,
आप श्रद्धा को बुला दीजिए प्लीज। अभय बेटा वो श्रद्धा तो घर पर नहीं है, वो उसकी नौकरी लगी है ना दिल्ली में, इसलिए वो यहाँ से चली गई है। बेटा तुम्हारे बिना श्रद्धा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। बढ़ गई वो आगे मेरे बिना इतनी जल्दी, जरूरत ही नहीं थी शायद अब उसे मेरे प्यार की। इतनी दूर जाने वाली थी तो कम से कम एक बार बात तो करती। पर आप आइए ना बेटा, हम श्रद्धा को फोन लगाते हैं, आप बात आप नहीं, अब उसे मैं फोन करूं। पर अभय बेटा छोटी सी है, मेरी सिर्फ एक बच्ची है सिया। सही कहा था अभय, कुछ भी करने से पहले एक बार हमें बात कर लेनी चाहिए, तभी तो सारे गिले शिकवे दूर होंगे, हम कुछ समझ तो पाएंगे। हेलो अभय, तुम्हारा सफर अच्छा हो, बिना किसी तकलीफ के तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ, यही दुआ करूंगा मैं। पर अभय मैं तो घर पे आ, घर की तरफ दोबारा लौट के भी मत देख, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। कभी वापस लौट के मत आना श्रद्धा। पर मैं वो कहने का वक्त निकल चुका है श्रद्धा, जो कहना था ना वो बोल दिया, अब कुछ कहने को बचा नहीं है, इसलिए ना मेहरबानी करना और हमारी जिंदगी में कभी लौट के मत आना। सियात ना रो कह रही है, मम्मी पता नहीं बहुत रो रही है, कुछ तकलीफ हो रही है इसे। अरे देखो बुखार तो नहीं है? हाँ। हे भगवान, इसे तो बहुत तेज बुखार है, इसे फौरन अस्पताल ले जाना होगा और डॉक्टर को दिखाना होगा। पकड़ी में वॉलेट लेकर आता हूँ। चलिए सिस्टर, सिस्टर अब मेरी मेरी बच्ची को बहुत तेज बुखार है, प्लीज देखिए ना, अब डॉक्टर को बुलाइए ना प्लीज। जी मैं बुलाती हूँ। डॉक्टर बच्चे की हालत बहुत खराब है, हमें इसे इमीडिएट एडमिट करना पड़ेगा, पहले हम इसका बुखार कम करेंगे फिर कुछ टेस्ट करेंगे, तब तक आप फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए, अब बच्चे को लेकर मेरे साथ आइए।
एडमिट कराने के 20,000 रुपए टेस्ट और दवाइयों का डॉक्टर चेक करने के बाद ही बताएंगे, तो आप अभी 50,000 रुपए हॉस्पिटल में जमा करवा दीजिए। सिस्टर वो आप इलाज शुरू कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। माफ कीजिए सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं सच में सारे पैसे ले आऊंगा, प्लीज इलाज शुरू कीजिए प्लीज। सॉरी सर, ये हॉस्पिटल की पॉलिसी के खिलाफ है, जब तक पैसे जमा नहीं होते तब तक हम इलाज शुरू नहीं कर सकते। कैसे करूं 50,000 रुपए का इंतजाम? श्रद्धा बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ बुआ जी, बस सिया को लेके थोड़ी घबराहट सी हो रही थी, इसीलिए। वो ठीक है ना बुआ जी? आप इस वक्त हॉस्पिटल में क्या कर रही हैं? क्या बताएं, सिया को बहुत तेज बुखार है। बुखार कैसे? क्या बताएं हम तुम्हें, अभय जैसे तैसे करके उसे संभाल रहा है, हफ्ते से वो सोया भी नहीं। बुआजी तो मुझे किसी ने फोन क्यों नहीं किया? कैसे तुम्हें फोन करते बेटी, तुम अकेले कितना कुछ संभाल रही हो, हम कैसे तुम्हें परेशान कर सकते थे? बुआ जी मेरी बच्ची बीमार है। श्रद्धा श्रद्धा खुद को संभालो, शांत हो जाओ। हे भगवान। बुआ जी मुझे ऑफिस से इस महीने की सैलरी एडवांस में मिली है, मैं वो आपके अकाउंट में भेज रही हूँ सिया के इलाज के लिए। ठीक है, हम अभय को अभी बता देते। नहीं 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 बुआ जी, बुआ जी आप अभय से कुछ भी नहीं कहेंगे, आपको मेरी कसम है, आप मेरा नाम भी नहीं लेंगे। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बुआ जी, सिया को किसी भी चीज की कोई कमी होने नहीं दीजिएगा। ठीक है बुआ जी, एक बार सिया को देख लूं प्लीज। छोड़ो, पैसों का बंदोबस्त हो गया है, हमारी सिया को कुछ नहीं होगा। बुआ जी मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूंगा? शुक्रिया तो तुम्हें अपनी पत्नी का करना चाहिए, जो दूर होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूल रही। प्यारी सिया, पापा सिया की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, दुनिया की सारी खुशियां देंगे। मम्मी अपनी सानवी को इस दुनिया में खुद के लिए लड़ना सिखाएगी, उसे सबसे तेज सबसे बहादुर और सबसे समझदार बनाएगी।